आज मैं यहाँ पे आया हूँ, पता नहीं मैं हमेशा क्यों हम बोल लेता हूँ। एनीवेज, विस्किट टर्न का फ्लॉग देखा है, जो 15 to 20 उनकी वो थी तादाद, और इट वाज अ लाइफर फॉर मी। तो मैं उनके इंतज़ार में था कि वो उड़ेंगे, तो ये आके यहाँ पे सुबह सुबह सन बेथिंग कर रहे हैं, ग्रेट कॉर्मोरेंट। ये सुबह सुबह पानी में तैर वैर के फिर धूप सेकने के लिए पत्थर पर बैठ के ऐसे अपने आप को सुखाते हैं। वीडियोस बनाने की मेरी कोशिश होती कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि व्यूवर को इमेज के मुकाबले में वीडियो में ज़्यादा समझ आ सकती है परिंदे की हैबिटेट के बारे में और उसके चाल चलन के बारे में। अभी एक बैठा हुआ है, मैं थोड़ा सा लेफ़्ट करूँगा, ये यहाँ पे दूसरा बैठा हुआ है, ये दोनों बैठे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ पेयर, मेल फीमेल। मुझे लग रहा है ये वाला मेल है, क्योंकि इसकी जो आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसकी अभी इसका मुंह उस तरफ है, इसकी चेस्ट ज़्यादा सफ़ेद है। तो परिंदों में ये होता है कि मेल जो है वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सो आई थिंक दिस वन इज़ द मेल। मुझे ये बताएं, जो बर्ड लवर्स के अलावा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो अगर बंदा सुबह सुबह उठे, कम से कम मेरी सोच के मुताबिक या उसके हिसाब से, इससे अच्छा मंज़र और क्या हो सकता है कि आप सुबह सुबह उठे और आपको ऐसा कुछ देखने को मिले। अमेजिंग। अच्छा, कुत्ता चीख रहा है कि मैं इधर बैठा हूँ। आई होप आप लोग इसको एंजॉय करें। दिस वन इज डन विद द सन बेथिंग। आई थिंक ये वाला भी सुखा रहा है अपने आप को। अच्छा, मैंने ये आके बैठे हैं, तो मैंने तकरीबन 20 मिनट लगाए हैं इनके करीब आने के लिए। दूर था मैं, आराम आराम से दो दो स्टेप करके मैं इनके पास आया हूँ, ताकि फ्रेम, मतलब आप जो मर्ज़ी आपके पास गेयर हो, जो मर्ज़ी कैमरा हो, जो मर्ज़ी लेंस हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी नियर टू द बर्ड। और लाइट अच्छी हो तो उसी में आपकी वीडियो या इमेज सही बनता है, चाहे जो मर्ज़ी कैमरा हो, यू नीड अ गुड लाइट। अभी लाइट बस हार्श हो गई है थोड़ी, मैंने कहा इट्स अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह फजर अंधेरे में आया था मैं यहाँ पे। ऑलराइट, दैट्स इट। मैं थोड़ी इमेजेस लेने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टाटा।